बाद बंगाल के चुनावी घमासान की, बंगाल के लिए आज शाह की क्या है रणनीति, चौथे चरण के लिए ममता बनर्जी का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, ईवीएम को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने क्यों टीएमसी को घेरा, बंगाल चुनाव से जुड़ी सभी खबरें देखिए टॉप नाइन बंग युद्ध में। पश्चिम बंगाल में अब चौथे चरण के लिए सियासी घमासान शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आज अमित शाह चार रोड शो करेंगे। शाह सबसे पहले 12 बजे के बाद सिंगूर में रोड शो करेंगे। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर बंगाल में हुंकार भर रहे हैं। चौथे चरण के चुनाव के लिए योगी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और पार्टी उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाएंगे। सीएम योगी बंगाल में आज तीन रैलियां कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज चार रैलियां और जनसभाएं करने वाली हैं। उनकी पहली दो जनसभाएं कुछ बिहार के अलग अलग इलाकों में होगी, जबकि शाम के वक्त ममता साउथ 24 परगना में दो रैलियां करने वाली हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि मोदी उन्हें दीदी ओ दीदी कहते हैं। ममता ने कहा कि उन्हें जितना चिढ़ाया जाता है वह उनके लिए उतना ही अच्छा है। टीएमसी सुप्रीमो ने कहा कि मोदी हर दिन ऐसा करते हैं, लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करती। बंगाल में चुनावी जंग के बीच बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने हावड़ा के पिलखाना एरिया में चुनावी रैली के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पत्थर मारने का काम किया, ये पत्थर हम पुलिस को दे दिए हैं। हुगली की ये तस्वीर है जहां चुनचुरा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और सांसद लॉकेट चटर्जी ने अपने समर्थकों के साथ एक साइकिल रैली निकाली। इस दौरान लॉकेट चटर्जी ने पुलिस पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में कई बड़े डॉक्टर्स ने चुनाव प्रचार के दौरान भारी भीड़भाड़ से कोरोना फैलने की चिंता जताई है। सिलीगुड़ी के आसपास के इन डॉक्टर्स ने इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने की बात कही है। डॉक्टर आज या कल कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने वाले हैं। हावड़ा में टीएमसी नेता के घर पर ईवीएम मिलने के मुद्दे पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल में सारे चुनाव सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में क्यों होते हैं, इसका अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है। अधीर रंजन ने कहा कि इसलिए पिछले पंचायत चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी 20,000 सीटों से जीती थी, क्योंकि यहाँ चुनाव का मतलब ही हिंसा और अव्यवस्था है। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण में कुल 77.68% वोटिंग हुई। 31 सीटों पर हुए मतदान के दौरान कई जगहों पर छिटपुट हिंसा हुई। बीजेपी और टीएमसी दोनों ने एक दूसरे पर वोटरों को डराने, धमकाने और हिंसा के आरोप लगाए।